भारतीय राजनीति में पप्पू शब्द का इस्तेमाल एक बार फिर संसद में हुआ, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भरी सभा में कहा कि बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाया, लेकिन वे कितने काबिल हैं, राहुल गांधी ने ये सबको दिखा दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश कर लो, राहुल गांधी ने खुद आपको पप्पू बना दिया है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद संसद में ठहाके लगने लगे। तुरंत गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को टोकते हुए स्पीकर से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते हैं। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने फिर जवाब दिया और कहा, आप जानते हैं मैंने किस संदर्भ में ये बोला है। आगे संसद में बोलते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का निशाना सही जगह लगा है। इस देश में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई भी पार्टी कभी पैरवी कर चुकी है क्या? ये हिंडनबर्ग पेपर में आया, हम क्या करें, हमें जो मिला है उसी की बदौलत हम मुद्दे उठा रहे हैं। हम अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप भले ही मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन राहुल गांधी की बात पर सारा हिंदुस्तान चर्चा कर रहा है।